पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग ने एक बहुत वड्डा बयान दिता कि मैडम परनीत कौर जो पटियाला तो एमपी ने सांसद ने और साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे पत्नी ने उन्होंने राजा वड़िंग ने साफ तौर पर शब्दों च कहा है कि मैडम परनीत कौर कांग्रेस का हिस्सा नहीं है। उन्होंने जो तो प्रेस वाल ने पूछा कि ना तो कोई पत्राचार होया ना कोई चिट्ठी जारी हुई आ ना उन्होंने एक्सपेल का कोई उत्तों दिल्ली तो निर्देश आया तो राजा वड़िंग ने बहुत ही बोल्ड तरीके कहा कि मैं बहुत जिम्मेवारी पीपीसी के प्रधान के तौर पर ऑफिशियली अनाउंस कर रहा कि परनीत कौर कांग्रेस का हिस्सा नहीं। साढ़े इस वे एडवोकेट जगमोहन सिंह जी जुड़े हुए हैं जो पीएलसी का हिस्सा ने लीगल साइड तो सर तुसी किस तरह देख रहे हो कि ये जो राजा वड़िंग ने एक क्या हैगा कि मैडम परनीत कौर कांग्रेस का हिस्सा नहीं हैगा। सानू पता कि उन्होंने पिछलियां चोणां विच कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सपोर्ट कीती सी जो कांग्रेस दे विधायक दे उम्मीदवार सी उसकी उन्होंने सपोर्ट नहीं की थी। जगमोहन जी देखो समझ जी गल ये हैगी कोई भी जी पोलीटिकल पार्टी होंगी आ उस दे विच जिहड़े ऑब्सपीरियंस ने प्रधान है चाहे सैक्रेटरी है उन्हां दा एक अपना कॉम्पीटेंस हुंदा एक अपना जुरिसडिक्शन हुंदा जिहदे बेसिस दे उत्ते उह एक्सरसाइज करके कित्थे तक अपनी जिहड़ी हैगी अधिकार खेत्र आ उसनूं इस्तेमाल कर सकदे आ। हुण सारे जिहड़े है दुनिया दे विच पता है खास तौर दे उत्ते भारत दे विच पता है कि इंडियन नैशनल कांग्रेस जिहड़ी है उसदे जिहड़े प्रधान है वह मिसेज सोनिया गांधी जी। अगर कोई पंजाब का जां पंजाब तो बाहर दी स्टेट का कोई भी कांग्रेस वाला बंदा चाहे वह मैंबर ऑफ पार्लीमेंट है चाहे वह मैंबर ऑफ पार्लीमेंट नहीं है चाहे कोई मिनिस्टर है कुछ भी है किसी स्टेट के जिहड़ा अधिकार खेत्र हैगा वह इंडियन नैशनल कांग्रेस के जिहड़े कौमी प्रधान ने उन्हां दा होगा। लेकिन जे सपोज प्रधान किसी स्टेट का बना लेंगे तो उन्हों की जिम्मेवारी यह लगाई होती है कि जिन्हें भी डिफरेंस जो है उत्थे के विधायक जो पुराने रहे हैं ज जिन्होंने टिकटा दिखाई गई सी वो सी जब बहुत वरिष्ठ जोड़े नेता ने उन्होंने सारिया के डिफरेंस जोड़े ने उन्होंने सिंक किया जाए घटाया जाए एंड एक कोहिज यूनिट जो है उस जो है वह निर्माण किया जाए। तो चाहिए तो यही होंगे कि जोड़ा भी स्टेट प्रेजिडेंट होगा पंजाब का वो जिन्हें भी अलग अलग फैक्शन अगर कोई माड़े मोटे मन पटाव है जो कोई डिफरेंस है उन्होंने सिंक करे तो उसके बाद चीजा अगे चलाइए। जे आप इस तरह के जोड़े है बड़े वरिष्ठ लोगों के बारे गल करते हैं वह भी पंजाब का जोड़े है प्रधान है कोई सैक्रटरी है तो यह कोई जी है जोड़न वाली नीति नहीं है तोड़न वाली नीति है। जो नवजोत सिंह सिद्धू जी प्रधान बने से उस तो बाद कांग्रेस जी है ज्यादा स्ट्रोंोंग नहीं हुई सगो थले गिर गई उस थले गिरी हुई कांग्रेस का कला कला तीला कट्ठा करके जोड़ा है उसी कोई गुलदस्ता बना ना कि जोड़ा है इन्ने वरिष्ठ जोड़े जोड़े है अपने पुराने मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर से उन्होंने बारे इस तरह का कमेंट करना। जे कोई इस तरह की चीज़ होएगी तो कौमी जोड़े प्रधान ने इंडियन नैशनल कांग्रेस के वो अपना विचार दे देंगे अपना डिसीजन दे देंगे जो इस बारे उन्होंने प्रेरोगेटिव है कोई गल करे कोई प्रेस दे विच इस तरह की चीज़ आएगी तो वह उम्र के भी छोटे हैं तजर्बे के भी छोटे हैं। जे कोई ऐसी चीज़ हैगी है तो जो इंडियन नैशनल कांग्रेस का कौमी प्रधान है उन्होंने उत्ते टेक रखनी चाहिए है उन्हों का प्रेरोगेटिव हैगा सानू उन्होंने प्रेरोगेटिव नू ओवरटेक नहीं करना चाहिए। आने वाला समा दस देगा कि कहड़ी चीज़ किस तरह हैगी है तो बड़िया चीज़ा जिहड़ियां ने ना फैमिली अफेयर्स दे विच चलदियां हुंदियां ने इस तरह दियां चीज़ां नू आपां जो है वो मीडिया के पब्लिक के इस तरह नहीं कर सकते खास तौर पर जो सा प्रेरोगेटिव ना हो। तो इसलिए मैं समझदा कि उन्होंने किसी जोड़ा है एक तरीके का नवे नवे प्रधान बनने कारण जोड़ा है अपना प्रेरोगेटिव जोड़ा है उसको शायद अच्छी तरह न घोख्या नहीं है तो उन्होंने कुछ इंतजार करना चाहिए है अपना जो कौमी प्रधान आ उसके उत्ते जोड़ा है ये चीज़ छड़ देनी चाहिए आ आप उसको जो है रिप्लेसमेंट उसकी नहीं देनी चाहिए समझ। जे जिस तरीके उन्होंने बयान दिता कि आप उस राजा वड़िंग की आकड़ मनीए क्योंकि वह अपने दायरे तो बाहर होकर गल कर रहे हैं एक संसद जो मौजूदा कांग्रेस पार्टी की टिकट तो लड़े हुए ने और मौजूदा संसद ने कि उन्होंने बारे पीपीसीसी के प्रधान को इस तरह की पावर हैगी है कि वह गल कर सकता। नहीं मैं ये लगता कि शायद किसी विजन की कमी कारण जां इनएक्सपीरियंस होने कारण जां मैच्योरिटी की घाट होने कारण जां किसी
इमोशंस दे विच आके किसी इंपल्स दे अधीन आके शायद उन्हां वल्लों अजिहा कीता गया होगा, पर जदों ज्यों ही किसी सीनियर लोगों नूं मिलणगे शायद उन्हां नूं लगेगा कि नहीं इस तरह दी चीज़ां दे विच थोड़ा जिहा जिहड़ा हैगा ना पेशेंस जिहड़ी हैगी आ उसनूं मेनटेन कर लैणा अच्छा हुंदा। समझ जी, कोई चिट्ठी नहीं, कोई सूरत हाल नहीं है, कोई इस तरह का हाई कमांड वालों कोई इशारा भी नहीं है। उसके बावजूद भी राजा वड़िंग ने जिस तरीके नाल मैडम परनीत कौर के उपर हमला किया, इहदा वड्डा कारण की हो सकता? क्योंकि ना तो परनीत कौर कोई कांग्रेस के खिलाफ कोई वड्डा मोर्चा कढ रहे हैं, ना ही कोई अपना कह लिए आप कि कांग्रेस पार्टी एडे वे स्टेक दे बैठी है, बुरी तरीके नाल हार के अपने खूंजे लगी बैठी है। उस तो बावजूद भी राजा वड़िंग जे इस तरह की गल कर रहे हैं, तो लगता भी ये जो कैडर हैगा स्ट्रोंग कर अपने आप को वड्डा पिच करने की कोशिश कर रहे हैं, या इमच्योर पॉलिटिक्स दे विच एक होर वड्डा मील पत्थर साबित होने की कोशिश कर रहे हैं? जगमोहन जी, आखिरी सवाल में देखो, 2017 की जी इलेक्शन सी वो कली कांग्रेस ने नहीं सी जीती, कैप्टन अमरिंदर सिंह की चीफ मिनिस्टरशिप के तहत जी जीती गई सी, पहला कैंडीडेटर अनाउंस हो गया सी चीफ मिनिस्टरशिप का। तो बड़ी पुरानी जिहड़े हैगे आ इह पोलीटिकल पार्टी दे नाल जुड़े हुए हैगे आ ते इन्हां दी बड़ी कंट्रीब्यूशन आ। देखो तुसीं इमेजिन करो कि 1984 दे विच जदों किसी भी जिहड़ा हैगा उह सिख बंदे ने रेजिग्नेशन नहीं सी दित्ता, उदों कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऑपरेशन ब्लू स्टार दे रिएक्शन दे विच उन्हां ने अपना अस्तीफा एज मैंबर ऑफ पार्लीमेंट भेजा सी। तो इस परिवार की जिहड़ी पंजाब की पॉलिटी हैगी आ नैशनल पॉलिटी आ उहदे विच बड़ा सिग्निफिकेंट योगदान आ। खुद ब खुद जिहड़े मैडम परनीत कौर हैगे आ सांसद इस वेले उन्होंने बहुत सारे काम जिहड़े ने खास तौर पर इस परिवार ने पटियाले की डिवेलपमेंट के जो आप कही तो तुम खुद देखो कि जी स्पॉट फैक्टरी लैके आए, वो ये लैके आए, RCF जो रेलवे कंपोनेंट वर्क्स का जो सारे प्रोजेक्ट लैके आए वो ये लैके आए, तो होर जो बहुत बड़े पंजाबी यूनिवर्सिटी जी महाराजा यादविंदर सिंह जी के यत्नों के नाल आई, राजीव गांधी नैशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ आई, उस तो बाद जगत गुरु नानक देव पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी आई, तो बहुत ईवन थापर जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वो इन्हों के यत्नों के नाल आया। तो पटियाले ईवन नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स हैगा, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का मुख्य दफ्तर हैगा, पंजाब लोक सेवा कमीशन का मुख्य दफ्तर हैगा। तो बहुत सारे काम पटियाले दे विच इस परिवार के नाल, तो मैनू ये लगता कि कला पटियाले दे विच ही नहीं है, तो जो समुचे पंजाब दे विच बहुत सारिया चीज़ा इस परिवार के कारण इन्नी जल्दी जल्दबाजी के जोड़ा है ना किसी परिवार के बारे में निर्णय नहीं दे सकते होंगे। हर चीज़ एक हिस्टोरिकल कंटिन्यूम के होंगी है, एक इतिहासक निरंतरता के चीज़ होंगी है, उसनों उस नालों तोड़ के नहीं देखा जा सकता होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी सके तो याद होएगा कि जो 1975 के एमरजेंसी हुई थी कांग्रेस के बहुत सारे लोग टुट गए इंदिरा गांधी जी, पर बाद के दुबारे फिर वो ज्वाइन करके तो सरकमस्टांसिस होंगे हालात होंगे परिस्थितियां होंगे ने वो किसी भी बंदे के उत्ते किसी प्रकार नाल भी आ सकती ने। देखो तो नवजोत सिंह सिद्धू जी बड़ा दावा करते कि मेरी जी है प्रधानगी दे विच कांग्रेस जी रिपीट कर पाएगी, मिजरेबल हाल होया उस तो परिस्थितियां ने हालात ने। उस तो बाद चरणजीत सिंह चन्नी जी वेले लग्या सीगा कि शायद कांग्रेस का कम बैक हो जाएगा, लेकिन अपनी दो सीटें दोनों हार। तो इस तरीके जरा मैं ये लगता है कि उन्होंने उस वेले जी मुख्य जिम्मेवारी आ वो कांग्रेस के मन मटावान खत्म करके एक जी है ना चेन दे विच एक माला दे विच परोन दा काम प्रमुख हैगा। इस तरह भावनावां दे नाल इस तरह के विचारां दे नाल जी ये माला परोन वाला काम है ये होर भी दुश्वार ते औखा हो जाएगा। समझ बहुत शुक्रिया जगमोहन जी। वैसे गल तुहाडी ठीक हैगी कि राजा वड़िंग दा नाम राजा ते राजा बड़ा फराख दिली दी डिफाइन करदा हुंदा और जिस तरीके नाल ओहो एक अपनी पॉलिटिक्स दे विच अपने आप नूं वड्डा करके दिखाउण दी कोशिश कर रहे ने, सो दिस इज नॉट द बेस्ट वे टू प्रूव यूर सैल्फ बिगर दैन बिगर। तो चंगी गल यह होगी कि सियाणप नाल चलो और एक दूजे नाल रल के चलो, कल नूं यह नहीं पता कि कैप्टन अमरिंदर सिंह वापस कांग्रेस च आ जाए फिर की करोगे तुसीं, कोई हालात नूं उस तरीके मतलब जुबान चो कहिंदे उन्नी चीज कढो जिस नूं तुसीं आप कल नूं भविख विच फेस कर सको। बहुत शुक्रिया जगमोहन जी तुहाडा और बहुत शुक्रिया आप सब का पंजाब नावां दे नाल जुड़न दा। वध तो वध सबसक्राइब करो और वीडियो शेयर करो। बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े रहो पंजाब नावां दे नाल।